वही तो मैं भी कह रही हूँ दीदी कि बड़े भैया की निर्मला देवी से शादी वाली खबर अच्छी नहीं है, और उससे भी बुरी बात है भाई साहब का भाभी माँ के साथ वहाँ जाना। मैं पूछती हूँ उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी इस तरह एक बेकार की इंक्वायरी में उलझने की। लक्ष्मी, तुम भी इन्हें गलत समझ रही हो क्या? अगर ये भाभी माँ के साथ गए हैं तो केवल भाभी माँ के आराम का ख्याल रखने के लिए। इस उम्र में भाभी माँ को अकेले भेजना ठीक होता क्या? अकेले क्यों, वो पहाड़ जैसी चंद्रिका तो गई थी ना, फिर भाई साहब को साथ में जाने की क्या जरूरत थी? और अब भाभी माँ के कौन से आराम की बात कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि इन्हीं भाभी माँ की वजह से आज हमारा पूरा परिवार कितनी मुश्किल में है? राहुल, मैं तुमसे कितनी बार कहूं मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। आखिर किस बात का टेंशन है तुम्हें? क्यों अपनी तबीयत और बिजनेस खराब कर रहे हो तुम? सुषमा, टेंशन तो टेंशन होता है ना, और घर का टेंशन बिजनेस के टेंशन से ज्यादा तकलीफ देता है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों तुम घर की टेंशन ले रहे हो। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और मैं पूछती हूँ तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत क्या है? हमारी प्रॉपर्टी तो हमारी है ना, और वो हमारे लिए काफी है। हाँ, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मम्मी जी की उस प्रॉपर्टी पर ध्यान दो जो कल हमारी होने वाली है। अगर उस प्रॉपर्टी का प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बातें कर रही हो जो सिर्फ पैसों को अहमियत देते हैं। कोई मेरी इस घर में फीलिंग को नहीं समझता। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। अच्छा दिलीप, गुप्ता जी ऑफिस आने वाले थे, पहुंच गए? अभी तक नहीं आए। आई थिंक पहुंच रहे होंगे। उन्हें बता देना आई विल बी देयर इन अबाउट 30 मिनट्स। ऑलराइट, बाय। सुजाता, कॉफी पिला देना। यूज़लेस। क्या हुआ बकुल? बकुल क्या हुआ बताओ ना, बकुल क्या हुआ? बेटी, ये अखबार में बकुल के बारे में क्या छपा है? बकुल? हाँ। बकुल की तारीफ छपी है काका। तारीफ? ना कुछ करोगी इसका मुझे यकीन था, लेकिन इतना सब कुछ करोगी ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यू आर रियली ग्रेट सुप्रिया। अच्छा डैड, मैं चलता हूँ। काश बेटा, ये बकुल के बारे में क्या लिखा पेपर में? क्या लिखा है? ये कि बकुल ठक्कर एक बहुत ही मक्कार और शातिर इंसान है,
अपनी बीवी और ससुर को धोखा देकर अपनी सेक्रेटरी से शादी कर बैठा और अपनी पहली बीवी से कोर्ट में सब कुछ हार के उसे भी और उसके वेलविशर्स को धमकी दे रहा है। और अगर उन लोगों को कुछ नुकसान हुआ तो बकुल ठक्कर ही उसका जिम्मेदार होगा। कोर्ट और पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी दो टुक बातें लिखी है। मुझे लगता है कि जो बकुल के पीछे पड़ गया होगा ना, उसी ने ये सब लिखा है। हाँ डैड, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। पर ये कौन हो सकता है? आप कौन हो सकता है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, एक है जिस पर मुझे शक है। तो किस पर शक है तुम्हें? अब इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क? कैसा रिस्क? हाँ डैड, अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो हो सकता है कि बकुल की तरह वो मेरी जिंदगी के पीछे भी पड़ जाए। ये क्या इशारेबाजी हो रही है? कुछ नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि पापा सिर्फ ब्रेड खा रहे हैं। पापा, अगर इसके साथ चाय हो जाती तो कितना मजा आ जाता ना। वैसे भी मेरे पापा कहते हैं मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, और खास तौर पर अदरक वाली चाय। अच्छा। मैं अभी लेकर आती हूँ। सिना सिना, फालतू की बकवास मत करो और जो मैं कहता हूँ ना वो सुनो। तुम मुझे ये बताओ कि बकुल हमारे किस किस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है और किस स्टेज तक, और पता लगाकर मुझे 5 मिनट में कॉल बैक करो। ओके? क्या बात है सुरेन, ये अचानक बकुल की बातें क्या हो रही है? तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती क्या? देखो इन न्यूज़पेपर में बकुल के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ मैंने पढ़ा तो है, लेकिन सुरेन मुझे लगता है कि बकुल को इन अखबारों पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। और तुम्हें ये नहीं लगता है क्या कि बकुल को हमें अपने सारे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देना चाहिए? क्योंकि एक बदनाम आदमी के साथ काम करके हमें बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ वो तो है, लेकिन सुरेंद्र मुझे लगता है कि ये सब कहानियां हैं। मेरी नजर में तो बकुल बिल्कुल गलत नहीं है। अब देखो ना, बकुल ने जो सारे काम किए वो लीगल ही है। उसने प्रिया को तलाक दिया, वो लीगल था। उसने अब सुजाता से शादी की, वो भी लीगल है। देखो सुरेंद्र, मुझे तो लगता है कि बकुल के खिलाफ ना किसी ने साजिश की है। आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। प्रांजू, वो तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन फिलहाल हमारे बिजनेस एसोसिएट्स को ये पता चल गया कि हमारे साथ काम करने वाला बकुल नाम का आदमी ठीक नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे? जो भी करूंगा, लेकिन बकुल के साथ मैं बिजनेस नहीं करूंगा। पहले परेशानियां कम है क्या? एक बकुल नाम की परेशानी और पाल लूं मैं? लेकिन सुरेंद्र, देखो तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहोगी, एंड दैट्स ऑल। ओके बाय बाय। रिलैक्स अमित, अगर ऊपर वाला टेंशन देता है तो उसका हाल भी भेजता है। यू आर राइट भाभी, लेकिन फिलहाल तो ऊपर वाले ने हम लोगों के लिए कमाल की न्यूज भेजी है। कैसी न्यूज? खुद ही पढ़ लो। नोटेड बिल्डर बकुल ठक्कर एक्सपोज्ड। अरे हाँ यार, कमाल की न्यूज है ये तो, है ना? वीरेन, तू तो बड़ा डिटेक्टिव बना फिरता है ना, बता ना ये न्यूज किसने एक्सपोज किया? इतनी सी बात? अरे ये तुम्हें दाएं हाथ का खेल है बाबा। अरे दाएं हाथ का खेल है तो बताओ ना। भाभी ने मैं कहां से? तू सुधरेगा नहीं ना, हमेशा की तरह उल्टी सीधे फेंकता रहेगा। तेरा मतलब है भाभी ने? हाँ हाँ भाभी ने, लेकिन मेरी भाभी ने नहीं, भाभी की भाभी ने। यू मीन सुप्रिया भाभी? आई मीन दैट ओनली भाभी। कमाल कर दिया ना सुप्रिया भाभी ने, अब बेचारा बकुल तो गया काम से, है ना? राधे राधे। अरे मैं कह रहा हूं उर्मिला, जे कोरी खबर ना है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात। अरे मैं कह रहा हूं बकुल कुमार बेचारो केस हार गया, चलो खत्म हुई है, पर क्या जरूरत है वाके बारे में उल्टी सीधी पब्लिसिटी कर देगी। अरे छोड़ो ना पापा। अरे कैसे छोड़े यार, कोई गलत बात कह रहा हूं? उर्मिला तू बता मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, और वैसे भी मुझे ये बातें समझ में नहीं आती हैं। क्या बात कर रही है तू? मैंने कहा ना इस मामले में आप मुझसे मत बात कीजिए। अरे कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है,
करने वाला ही जाने बस। और वैसे भी हमारी बात कौन सुनता है? जिसके जो जी में आए वो करे, मैं तो चली। अरे तू कहाँ चल रही है, बात तो सुन। I'm fed up. दीपक, लाला ये तो चली गई, पूरी बात भी ना सुनी। राधे राधे, अब तैने तो सारी बात समझ लीजिए अखबार पढ़ के। अरे मैं कह रहा हूँ जे सुप्रिया कुमारी कितनी चालाक है पता चल गया तुमको? अरे वाने बकुल को हवा में उड़ा दियो यार। अरे देखो ये काम तो सुप्रिया ने किया। अरे जे तो सारो जमानो जाने यार। मैं जी कह रहा हूँ कि भैया तो को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, तो को तो बड़े बड़े काम करने हैं पता है कि नहीं है? अरे जाने बकुल कुमार को कहीं को ना छोड़ो, वो तेरों का हल करेगी उस्ताद। देखो मुझ में और बकुल में बहुत फर्क है। क्या फर्क? बकुल बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अरे किससे कितना पंगा लेना है, कैसे पंगा लेना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लोहा कब गर्म है, उस पर कितनी तेज हथौड़ा मारना है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। भाई बड़े विश्वास से बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बता जी, सुप्रिया के बारे में तेरी क्या राय? ये जो सुप्रिया कैसी औरतें होती हैं ना, उनके सामने प्यार से छुप कर जो कहो वो करती हैं, जान दे देंगी। लेकिन जहाँ उनके सामने आप अकड़े बस आपको बर्बाद कर देंगी। अरे उस्ताद तेरी जी बात मुझको जम रही है। पर एक बात बताऊँ तुमको, जी बकुल कुमार जो है जी भी बड़ा सातिर आदमी है। हाँ अपने को तो वासे भी बना कर रख लिए, का मतलब है दुश्मनी से है? पतो ना है ससुरो कब कौन सो आदमी काम पड़ जाए है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। देखो ये दोस्ती और दुश्मनी तो आप ही निभाओ, मुझे तो बस अपना काम करने दो। इतने छोटे से वक्त में मैंने 2-2.5 लाख रुपए अंदर कर लिए, ऊपर से 10-12 लाख रुपए का मकान मेरी जेब में। अरे अरे अब आप देखो मेरी पतंग कैसे कैसे पेच लगाती है। ज़ियारत मानते हो ना? अरे मानू, बिल्कुल मानू उस्ताद। बोलो। हाँ भेज दो। सुरेंद्र जी, कैन आई कम इन? प्लीज कम। आपका अर्जेंट मैसेज मिला, कोई खास काम है या फिर हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिली? बैठिए मिस्टर बकुल। मिस्टर बकुल, बात प्रोग्रेस रिपोर्ट की नहीं बल्कि पॉलिसी की है, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सबके विरोध के बावजूद मैंने आपको सिर्फ इसलिए काम दिया था कि आप हार्ड वर्क करें, और आपकी पर्सनल लाइफ का हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा जी। लेकिन अब सारे अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ का हमारे बिजनेस पर इफेक्ट हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी, आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग साथ में काम नहीं कर सकते। सुरेंद्र जी प्लीज ऐसा मत कहिए, अखबार में जो छपा है वो झूठ है, मैं साबित कर दूंगा। प्लीज ऐसा डिसीजन मत लीजिए। मिस्टर बकुल, डिसीजन तो मैं ले चुका हूँ, लेकिन हाँ एक वादा आपसे मैं जरूर कर सकता हूँ कि जिस दिन आप अपने निर्दोष होने का सबूत ले आएंगे मैं आपको आपका काम वापस कर दूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी सुरेंद्र जी, प्लीज। मिस्टर बकुल, इस टॉपिक पर मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, आज मैं साइट से होता हुआ ऑफिस आऊंगा, इसलिए बैंक का काम तुम ही कर लो। ओके हाँ।
कुछ सुना आपने? सुरेंद्र ने बकुल को अपने बिजनेस से निकाल दिया? आपने तो सुना ही होगा, ये तो ऑफिस का मामला है और ऑफिस की बातें मेरे से पहले तो आपके पास पहुंचती होंगी। हाँ मुझे पता है। एक बात बताओ जी, बकुल को उसकी बदनामी के कारण ही निकाला है ना? मतलब उसका नाम भी तो सोमानी खानदान के बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। बकुल की बात छोड़ो लक्ष्मी, बकुल जैसे लोगों का क्या है, उनके घर तो बनते बिगड़ते रहते हैं, अपने घर की सोचो। हमारे घर की तो जड़ें ही उखड़ गई ना। फोन लाके देती हूँ। हेलो, हाँ है, लीजिए माँ जी। हेलो। हेलो माँ, मैं चंद्रिका बोल रही हूँ। अरे चंद्रिका, कहाँ हो तुम? कितने दिनों के बाद तुमने फोन किया। और मंजुला देवी और दुर्गा भाई साहब कैसे हैं? ओफो माँ, इन सब फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे भी यहाँ से फोन बड़ी मुश्किल से लगते हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि अब हम दोनों को सुमानी विला में जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो बेटा, मेरी एक बात मानो तुम। अरे सुनो, क्या हुआ माँ जी? शायद लाइन कट गई। हेलो। हेलो राधिका, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से फोन कर रहे हो? इतने दिनों तक फोन क्यों नहीं किया? और आपकी तबीयत कैसी है? भाभी माँ कैसी हैं? आपको पता भी है मैं कितनी परेशान थी, फोन करना चाहिए था ना। अरे राधिका, तुम तो बस एकदम बरस पड़ी। हम लोग सब ठीक ठाक हैं। और क्या समाचार है? आप लोग कहाँ थे? और हाँ, भाभी माँ के काम का क्या हुआ, कुछ तो बताइए मुझे। राधिका, सारी बातें फोन पर नहीं बताई जा सकती। मैंने फोन इसलिए किया कि हम लोग कल लौट रहे हैं और बाकी बातें सबसे मिलने के बाद करेंगे, ठीक है? अच्छा, रखता हूँ फोन। कुछ नहीं बताया, पर चलो अच्छा है, फोन तो किया। सबकी तबीयत ठीक है, फिलहाल यही अच्छी खबर है।